the consciousness is getting affected with external and internal environment factors. एनालिसिस मेथड्स जो हमने यूज़ करे उसमें फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड किया. इंटरप्रिटेशन में हमने पॉपुलेशन इफेक्ट्स को, सोशल इफेक्ट्स को, चेंजेस इन एनवायरनमेंट्स और सब्जेक्टिव इफेक्ट को, इस तरह के चेंजेस को हमने ऑब्जर्व करके अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरह की रिसर्च करके इस तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व किया और इंटरप्रेट करके कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए. तो सीधे आता हूँ अपनी रिसर्च पर. जो स्पार्क में अभी सब लोगों को आपको पता होगा, पिछली बार की मीटिंग में इसको अनाउंस किया गया था. हमने 64 चैनल ईईजी, जिसमें 24 बाइपोलर चैनल भी हैं, जिसकी हेल्प से हम ईसीजी यानी कि हार्ट रेट वेरिएशन को, जीएसआर यानी कि हमारे, जब भी आप देखेंगे कभी भय की स्थिति होती है तो भय की स्थिति में पसीना आता है, तो जो पसीना आता है और ये जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक चेंजेस. इन ऑटोनॉमिक चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए जिस यंत्र की जरूरत होती है, जिस मापांक की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स. तो ईसीजी माने कि एचआरवी, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स और इस तरह के कुछ 4-5 और इंडाइसिस को लेके इस मशीन से हम रिसर्च कर सकते हैं. और इस मशीन के आने के बाद से करीब 35 रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं, जिसमें सारे ऐसे भाई और बहनों का रिसर्च हमने इंक्लूड किया है जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष से ऊपर अवधि में मेडिटेशन को रेगुलर प्रैक्टिस किया है. ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं. एक एम्पलीफायर जो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ईजी कैप जिसको पहना के हम इसमें इस जेल को फिल करते हैं ताकि ये हमारे सर से एक कनेक्शन डेवलप कर पाए. इस कनेक्शन के डेवलप करने के बाद हम उस पर ईजी डेटा रिकॉर्ड करते हैं. और जब ईजी डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक ये जो डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर हमारे पास है उसमें हम देख पाते हैं कि डेटा की क्वालिटी क्या है. सबसे बड़ी बात, जब हम ईजी रिकॉर्ड करते हैं तो ईजी रिकॉर्ड करने के मायने क्या हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम ईजी रिकॉर्ड करें. तो ईजी जो है वो एक डायरेक्ट ब्रेन एक्टिविटी होती है जो कि एक बहुत अच्छा और रिलायबल सोर्स होता है ब्रेन की एक्चुअल स्टेट को पता करने के लिए, ब्रेन के और माइंड के बीच में जो सिंक्रोनी है उसको पता करने के लिए. मोटर परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रिकॉल, अटेंशन एंड अलर्टनेस, इमोशन रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप क्वालिटी और कॉन्शियसनेस के अलग अलग इंडाइसेस जो हैं उसको पता करने के लिए हम ईजी डेटा को प्रोसेस करते हैं. एक दूसरी जो चीज़ है जो इस सिस्टम के साथ हमने ली है वो है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स सिस्टम, जिससे हम ईआरपी रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे कि ईईजी जो है उसके लिए हम 10 मिनट या 15 मिनट का एक लंबा सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हैं, ईआरपी के लिए हमें मिली सेकेंड्स के सेगमेंट रिकॉर्ड करने होते हैं. यानी कि 100 मिली सेकेंड का एक सेगमेंट, 200 मिली सेकेंड का एक सेगमेंट या 500 मिली सेकेंड का एक सेगमेंट. अलग अलग लोगों ने जब कॉग्निशन पे काम करा और मेडिटेशन के इफेक्ट कॉग्निशन पे देखे तो उन्होंने पाया कि अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि प्लानिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग और मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटीज, इनमें बहुत फ़र्क आया. क्रिएटिविटी, मोटर कोऑर्डिनेशन भी कुछ इंडाइसेस थे जिस पे रिसर्च हुई. अब हमारे स्पार्क लैब के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, उन मेजर ऑब्जेक्टिव्स में 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स को लेके अभी हम काम कर रहे हैं. और पहला ऑब्जेक्टिव है साइकोफिजोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन एंड इट्स वैलिडेशन. तो जो हमारी अलग अलग अवस्थाएँ हैं, अलग अलग गुणों के अलग अलग गुणों को धारण करने के बाद, अलग अलग गुणों को सोचने के बाद जो हमारी मानसिक अवस्थाएं बनती हैं, उन मानसिक अवस्थाओं को ईईजी की हेल्प से एक सिग्नेचर अवस्था में डेमोंस्ट्रेट कर पाएं, उनका वैलिडेशन कर पाएं और अलग अलग तरह के जो इमोशनल स्टेट्स हमें उस दौरान महसूस होती हैं उनको हम वैलिडेट कर पाएं और साथ में ये भी बता पाएं कि किस तरह की पर्सनैलिटी ज़रूरी है या किस तरह के एक राजयोगा को शुरुआत करने के लिए या राजयोगा मेडिटेशन में एक्सेल करने के लिए किस तरह की पर्सनैलिटी की ज़रूरत है
और क्या क्या भाव हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उस तरह की चीजें भी हम साइकोफिजियोलॉजिकल रिसर्च की हेल्प से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेडिटेशन का इफेक्ट इमोशनल हेल्थ पर क्या हो सकता है, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इंडाइसेस में क्या हो सकता है, साथ में सोशल बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, एक सोशल इंपैक्ट के लेवल पर क्या चेंज आ रहा है, उसको भी हम साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस रिसर्च के जो क्वेश्चनर टूल्स हैं उसके बेसिस पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, यानी कि 5 वर्ष या 10 वर्ष रेगुलर अभ्यास करते हैं, उससे हमारे ब्रेन में या हमारे बिहेवियर में क्या परिवर्तन आते हैं उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कम समय करने से क्या चेंजेस आते हैं या करने के जस्ट बाद करते समय क्या चेंजेस आते हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, और क्या थ्रेशोल्ड रहेगा एक्टिव ब्रेन एक्टिवेशन का जो कि कॉग्निटिव इंडाइसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। यानी कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करने से फॉर एग्जाम्पल आपके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आते हैं। अगर सैनिक है कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका जो डोमेन है, जैसे मैंने बताया आपको मेरा डोमेन परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट है, तो परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट करने के लिए उनका माइंड स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। लेमन वर्ड्स में माइंड स्टेबिलिटी का मतलब जब कॉग्निटिव प्रोसेस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को हम कंट्रोल कर पाते हैं, और इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद हम अपने जो भी अवस्थाएं आती जाती हैं उन अवस्थाओं को सुचारू रूप से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ना कि रिएक्ट करते हैं। तो जब हम उसको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस रिस्पॉन्स से वो जो रिस्पॉन्स जनरेशन होता है वो उस रिस्पॉन्स जनरेशन से हमारी परफॉर्मेंस एनहेंस होनी चाहिए, ऐसा हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। तो जो करंट रिसर्च है उसमें हमने फिजियोलॉजी डेटा और साइकोलॉजी डेटा को मर्ज करके कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट जानने की कोशिश की। मैंने अपने पीएचडी के रिसर्च के दौरान भी इसी को करने की कोशिश की, जिससे हमने एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस और अटेंशन नेटवर्क इंडेक्स, जिसमें कि हम कहते हैं कि किसी समय अगर हम एक अवस्था में बैठे हैं तो कितना ध्यान हम कर सकते हैं, उस ध्यान से अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसर्स आ रहे हैं या कोई डिस्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, कुछ किसी वस्तु या कोई किसी के बोलने से या किसी के सामने से निकलने से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन के बाद दोबारा वापस हम उस अवस्था में कितनी जल्दी आ पाते हैं, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। और साथ में ये डिसीजन मेकिंग करना कि हमारी जो अवस्था है उस अवस्था में हम कितनी देर तक रह सकते हैं और उस अवस्था को कितनी देर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारा अटेंशन नेटवर्क इंडेक्स है इसके बारे में कुछ रिसर्च किया है। स्ट्रेस इंडेक्स, कॉग्निटिव कंट्रोल और पर्सनैलिटी इंडेक्स, ये कुछ तीन और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी कुछ और रिसर्च प्रोटोकॉल बना रहे हैं, और इन रिसर्च प्रोटोकॉल के द्वारा हम इन चीज़ों को एस्टेब्लिश करेंगे कि मेडिटेशन से इन चीज़ों पर, स्पेशली स्ट्रेस इंडेक्स पे, कॉग्निटिव कंट्रोल पे और पर्सनैलिटी इंडेक्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो करंट रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेडिटेशन स्टेट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन का एज अ फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस क्या है, अलग अलग केस स्टडीज को लेके उनके इंटरव्यूज करना और उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में लिखना, और साथ ही अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को डिस्क्राइब करना। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसको हमने इस प्रोटोकॉल में लिया है, कूपर स्मिथ इन्वेंट्री, ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनेयर और स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स ऑफ वेलबींग, साथ में बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो कि 21 क्वेश्चंस का एक इंडेक्स क्वेश्चनेयर इंडेक्स होता है जिसको हमने लिया है, और साथ में पीजीआई हेल्थ क्वेश्चनेयर, सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्किल को भी हमने लिया है। ये सारे जो ये 6 स्केल्स हैं, इसको हर एक स्केल को भरने में करीब 1 से 2 मिनट और कुछ स्केल्स को भरने में थोड़ा समय, तो लगभग 20 मिनट के आसपास का, 20 से 25 मिनट के आसपास का ये प्रोटोकॉल है जो कि साइकोलॉजिकल इंडाइसिस को पूरा करने के लिए। अब कुछ प्रीवियस रिसर्च जो हमने किया है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट से जो रिसर्च हुआ है, DRDO के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, निमहेंस के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी सेंटर्स के द्वारा जो रिसर्च हुआ है उसके द्वारा कुछ ग्लिम्सेज हैं।
इफेक्ट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स एंड केयर गिवर। ISIC करके एक संस्था है दिल्ली में वसंत कुंज में, जहां पर स्पाइनल इंजरीज के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। 2011 से यह हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें अलग अलग लेवल पर हमने कुछ चेंजेस देखे और वहां पर केयर गिवर्स को, पेशेंट्स को और साथ में हॉस्पिटल के स्टाफ को मेडिटेशन का ज्ञान दिया गया और राजयोग का कोर्स कराया गया। 7 डे कोर्स कराने के बाद उसके फॉलोअप्स लिए गए और रेगुलर इस चीज़ के फॉलोअप्स लिए गए और उसके पश्चात हमने क्वेश्चनेयर्स के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा और फीडबैक फॉर्म्स के द्वारा इसके प्रभावों को जांचने की कोशिश की। जो हमें रिजल्ट्स मिले उसमें हमने देखा कि सफरिंग जो था, जो रोग का जो प्रभाव था, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जो दर्द होता था, उस दर्द की वजह से जो परेशानियां होती थी पेशेंट्स को, वो कम हुई और साथ में पेशेंट को देखते हुए जो भावों में परिवर्तन होता है केयर टेकर्स में, स्पेशली जब आप देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब किसी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो पेशेंट को तो हम ट्रीट करने की कोशिश हमेशा करते हैं डॉक्टर्स, केयर गिवर्स को ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं होता। तो केयर गिवर्स को यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं बट एक मेडिटेशन इंटरवेंशन दिया गया और ये देखा गया कि केयर गिवर्स के होप स्केल में, उनके बिलीफ में, उनके हैप्पीनेस इंडेक्स में और उनके सेटिस्फेक्शन में क्या चेंजेस आए। तो इन सारे स्केल्स में हमने देखा कि हमने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पाए और एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी बात थी जो हमने देखी इसमें। दूसरा रिसर्च जो रजनीकांत भाई ने निमहेंस में किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत नोवल टेक्निक को यूज करते हुए, जो कि बिल्कुल बहुत ही एक्सेप्शनल टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं EEG FMRI। ये दो टेक्निकों का मिश्रण है जिसमें हम EEG, जो जैसे हम यहाँ पर EEG करते हैं, उस EEG के साथ में FMRI मतलब फंक्शनल MRI को डेमोन्स्ट्रेट करके हम साथ में देखते हैं कि किस तरह के ब्रेन में चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लोकलाइजेशन, यानी कि ड्यूरिंग मेडिटेशन कौन कौन से रीजन्स थे ब्रेन में जो एक्टिवेट हुए, जिसको हमने प्री एस्टेब्लिश करा था रिसर्च द्वारा EEG से। और इन दोनों चीजों को मिला के उन्होंने एक साथ इस प्रोटोकॉल को रन किया। तो उन्होंने देखा कि उनका जो मेडिटेटर्स के ब्रेन है, उनमें ब्रेन स्टेबिलिटी बढ़ी है, रूमिनेटिव थॉट्स इन मेडिटेशन जो है मेडिटेटर्स है जो वो कम हो गए हैं, DMN एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो DMN एक्टिविटी दो तरह से हम मान सकते हैं। DMN एक्टिविटी जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिविटी होती है, जिस समय हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिवली सोच नहीं रहे होते हैं, एक्टिवली कोई फिजिकल या मोटर टास्क नहीं कर रहे होते हैं, उस समय हमारे ब्रेन के कुछ सेंटर्स हैं जो काम करते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी को और हमारे कॉग्निटिव इंडेक्स को। उस ड्यूरेशन में उन्होंने देखा, इस तरह से उन्होंने EEG FMRI प्रिपरेशन अपनी लैब में किया। जैसे आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में उन्होंने EEG कैप पहना के उसको वैलिडेट किया और साथ में राइट साइड में जो FMRI स्कैनर है उसके अंदर पेशेंट्स को और मेडिटेटर्स को डाल के और उसके अंदर हमने स्कैन, करीब 30 से 40 मिनट का इस स्कैन का समय लगता है, उस स्कैन को उन्होंने लिया। तो ये एक बहुत अच्छा रिसर्च उन्होंने पब्लिश किया 2016 में, जिसमें उन्होंने इन सारी चीजों को विस्तृत रूप से दिखाया है। एक दूसरा रिसर्च जो कि बहुत बड़े लेवल के जर्नल में पब्लिश किया अजय भाई ने, जस्ट अ मिनट मेडिटेशन, जिसमें केवल एक मिनट मेडिटेशन से क्या रैपिड चेंजेस होते हैं ब्रेन में, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इस पेपर को लिखा। EEG में क्या चेंजेस होते हैं, जो कि हमने DRDO में एक रिसर्च किया और उसका डेटा यहीं ज्ञान सरोवर में रिकॉर्ड किया था। इसमें हमने देखा कि अल्फा और थीटा बैंड जो होते हैं, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, जिसका अगर ये बैंड, अल्फा और थीटा बैंड का पावर इंक्रीज होता है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन और हमारी इंट्रिंसिक अवेयरनेस, यानी कि अपने स्वयं के प्रति हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन हमने अटेंशन नेटवर्क्स पे भी देखा कि अटेंशन नेटवर्क से इंडेक्स पे जो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया उसमें क्या चेंजेस आए, उसके चेंजेस के लेवल पर हमने एस्टेब्लिश किया कि अटेंशन नेटवर्क्स में और अदर कॉग्निटिव इंडेक्सेस में चेंजेस पाए गए। ये एक दूसरा रिसर्च जो कि अपने आप में एक यूनिक रिसर्च है।
इसमें हमने एस्टेब्लिश किया कि लॉन्ग टर्म मेडिटेशन के द्वारा हमारा जो कॉर्पस कैलोसम रीजन है, जो कि हमारा लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो एक ब्रिज का काम करता है, उसके उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हमें एनहेंस्ड पाई गई। जो FAR MD ये दो चीज़ें होती हैं जिसको हम एक सिग्नेचर मानते हैं अच्छी, अगर FA बढ़ता है और MD घटती है, फ्रैक्शनल एनाइसोट्रोपी और मीन डिफ्यूजिविटी। तो डिफ्यूजिविटी घटती है, इसका मतलब जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ब्रेन में, माने कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वो अच्छा है, वो प्रभावी रूप से सुचारू रूप से चलता है। साथ ही FA जैसे इंक्रीज होता है, तो FA जैसे आप कहेंगे न्यूरॉन्स, अगर किसी ने बेसिक स्टडी करा हो तो न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिनेशन होता है, माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ जो है वो लिपिड की बनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, या फिर अगर टेलीकम्युनिकेशन के कुछ लोग हों तो टेलीकम्युनिकेशन जो केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स होती हैं, उस पर जितना अच्छा इनशीथिंग होता है, जितना अच्छा एनरैपिंग होता है, उतना अच्छा सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उतना कम एनर्जी लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन लेवल पर भी अप्लाई होती हैं। तो इन सारे चेंजेस को हमने देखा और हमने ये पाया कि इमोशंस, अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का बेटर रेगुलेशन मेडिटेशन के द्वारा संभव है। ये एक रिसर्च जो मैंने अभी नवंबर के महीने में वॉशिंगटन में प्रेजेंट की थी। DIPR के द्वारा भी एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें होप स्केल, हैप्पीनेस इंडेक्स और कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ा हुआ पाया गया। कुछ पोस्टर्स जो हमने अलग अलग समय पर अजय भाई ने, रजनीकांत भाई ने या फिर मैंने प्रेजेंट किए, उन सारे पोस्टर्स का एक ग्लिम्स है। हमारे जो नेशनल कोलैबोरेशंस हैं DRDO के द्वारा, स्पार्क के नेशनल कोलैबोरेशन, DRDO, निमहांस, एम्स, NDMA, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट फॉर ऑन्कोलॉजी और इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर से हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन हमने पिछले 2-3 महीनों में प्रयास किए और उन प्रयासों के दौरान हमें एक स्विट्जरलैंड के ब्रेन माइंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख का जो इंस्टीट्यूट है, उसके प्रोफेसर आचमैन और प्रोफेसर पास्कल फेबर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जो कि जो भी EEG डेटा यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे उस EEG डेटा के ऊपर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ग्राफ थ्योरी एनालिसिस और सोर्स लोकलाइजेशन, यानी कि ब्रेन में कौन कौन से सोर्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन या कंट्रोल ड्यूरिंग, जिस समय हम रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं, तो उस समय पर उस तरह की रिसर्च के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन हमने किए हैं। कोमा ग्रुप, जहाँ पर कोमा साइंस ग्रुप जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीज बेल्जियम में है, जहाँ पर रजनीकांत भाई पहुँचे हैं अपनी PhD करने के लिए, वहाँ से भी प्रयास जारी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनोस मलेशिया से भी इन प्रयासों को हमने जारी रखा है, और आशा है आने वाले समय में इनसे भी हमारे साथ कोलैबोरेशन संभव होंगे। तो अब सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस समय की, स्पार्क लैब को आवश्यकता है कुछ ऐसे भाइयों बहनों की जो अपना समय सुचारू रूप से यहाँ पर योगदान दे सकते हैं और लंबे समय के लिए यहाँ पर रहकर सेवाएं दे सकते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो डेटा रिकॉर्ड करने के बाद जो डेटा हम एनालिसिस करते हैं, इस एनालिसिस के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक को सीखना होता है, और उस स्पेशल टेक्निक में जो एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हमें प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, उसको बोलते हैं हम MATLAB। तो MATLAB ज़्यादातर BTech स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, ऐसे भाइयों बहनों से मैं निवेदन करूँगा कि आज या कल जब भी हो, मुझसे या श्रीकांत भाई से एक बार संपर्क करके अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, और अगर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी बैकग्राउंड के, न्यूरोसाइंस बैकग्राउंड के और इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के जो भी भाई बहन हैं, अगर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च को एस्टेब्लिश करने के लिए सतत रूप से प्रयास जारी रहेंगे, और पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और साथ में इन सारे राजयोगा मेडिटेशन को किसी अलग डोमेन में एस्टेब्लिश करना, यानी कि एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको एस्टेब्लिश करना, डिफेंस में, स्पोर्ट्स
और बाकी अलग फील्ड्स में जहां पर परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे प्रयास जारी रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क भाई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च को उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बाबा की प्रत्यक्षता नज़दीक है? किस किस को लग रहा है ऐसा? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जो जो अनुभूतियाँ सबने की हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट्स से दुनिया के सामने रखें। और कनिष्क भाई की PhD से बहुत आगे लीड्स मिली हैं स्पार्क को। तो बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क भाई।